मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के अंदर आपको बता दें सोमवार की शाम के अंदर जो है प्रशासन एक बैठक आयोजित करता है बुरहानपुर के 10 किलोमीटर दूर बिरोदा गांव में, जहां पर जो है आपको बता दें कि प्रशासन की बैठक चली रही थी जिसमें तहसीलदार मौजूद थे, आपको बता दें प्रशासन के और कुछ अधिकारी मौजूद थे, और तभी जो है आप दो पक्ष आमने सामने हो जाते हैं, विवाद हो जाता है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बुरहानपुर के बिरोदा जो गांव है वहां पर एक चबूतरा है, और चबूतरे को लेकर दोनों ही जो पक्ष है, दोनों ही जो पक्षों के अलग अलग दावे हैं। एक पक्ष ये दावा करता है कि ये जो चबूतरा है ये बेरी वाली जो दरगाह है, ये दरगाह है यानी उसको धार्मिक स्थल मानता है, आस्था केंद्र मानता है, जबकि दूसरा पक्ष ये मानता है कि ये जो समाधि है बाबा नवनाथ महाराज की समाधि है ये, और यहाँ पर जो है पूजा होनी चाहिए। जबकि अब जो है दोनों लोगों के अलग अलग दावे हैं, वही आपको बता दें जिसको लेकर जो है विवाद हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कई सालों से हम यहाँ पर जो है चादर चढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पूजा करते हैं, जिसको लेकर विवाद है। और ये काफ़ी लंबे समय से इससे पहले भी जो है मामला हुआ था, और आपको बता दें पहले मामला जो भी होता था प्रशासन अपने स्तर पर हैंडल कर लेता था, लेकिन अब जो है इस पूरे मामले को सॉल्व करने के लिए प्रशासन ने जो है पहल की, क्योंकि पिछले दिनों जो है जनसुनवाई जो कलेक्टर की होती है बुरहानपुर में, वहाँ पर भी जो है बिरोदा गाँव के लोग आए थे और इस मामले का जो है हल निकालने के लिए कहा था, जिसके बाद में प्रशासन अलर्ट हुआ और जो है इस पूरे जो घटनाक्रम जो पूरा मामला है ये पूरा विवाद है इसका हल निकालने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें इसी के अंदर जो प्रशासन की पंचायत भवन है बुरहानपुर की ग्राम पंचायत बिरोदा का, वहाँ पर बैठक चली रही थी, तभी जो है दोनों पक्षों की कुछ बातचीत थोड़ी सी बिगड़ गई और जो है पथराव हो गया, जिस पर मौके पर मौजूद जो अधिकारी थे उन्होंने पुलिस फोर्स को बुलाया और पूरे मामले को जो है शांत कर दिया। जिसके बाद आपको बता दें कि रात में करीब 7:45 के आसपास में जो है लगभग 8 के करीब जो है आपको बता दें कि पुलिस वहां पे मौके पे तो पहले से पहुंच गई थी और पूरी जो पूरे गांव के अंदर जितनी जो दुकानें थी उनको सब बंद हो गई थी। वही आपको बता दें कि जो पुलिस प्रशासन ने अपने बल को तैनात किया, 120 से 100 जवान उस समय वहाँ पर पहुँचे थे। मौके पर आपको बता दें SDM तहसीलदार ASP अंतर सिंह गणेश, वही आपको बता दें अपर कलेक्टर सपना अनुराग जैन भी वहाँ पे पहुँच गए थे और जो है लोगों से अपील भी करी थी। वही जो है दुकानें बंद हो गई थी पूरे गांव की और लोगों को जो है अपने अपने घरों के अंदर जाने के लिए प्रशासन ने कहा था, पूरे गांव को जो है पुलिस ने अपनी छावनी में तब्दील कर दिया था। वही इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि जो है पुलिस का जो आज बयान आया है कि आपको बता दें कि वहाँ पे पूरी स्थिति जो है भी पुलिस के काबू के अंदर है, शांति है पूरे गांव में और शांति बहाली भी हो चुकी है। जो लोग हैं पुलिस ने उनको काम पे भी जाने की इजाज़त दे दी है। वही दूसरे दिन जब आज हम ये आपको बता दें मंगलवार को जब कवर करने वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस जो है किस तरीके से वहाँ पर जो गांव के जो एंट्री होता है यानी इंटर करने का जो रास्ता होता है वहीं पर ही जो है एक नाकाबंदी भी कर दी थी। कोई भी गांव में आने जाने वाले व्यक्ति को जो है देखा जा रहा था, उससे पूछताछ भी की जा रही थी। पूछताछ के दौरान अगर वो व्यक्ति जेन्युइन था तो उसको अंदर जाने दिया जा रहा था, वरना उसको वहीं से ही रवाना पुलिस द्वारा कर दिया जा रहा था। जिसके बाद में अब जो है फिर अंदर की तरफ जब गांव में प्रवेश द्वार है वहीं पर जो स्कूल है सभी आज स्कूलें भी वहां पे क्योंकि बंद थी, टीचर पहुंचे थे लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आए थे, इस वजह से जो है टीचरों को भी अपने घर लौटना पड़ा था। वही आपको बता दें पुलिस जवान वहाँ पर मौजूद था और बुरहानपुर पुलिस ने जो है आपको बता दें कि खंडवा खरगोन से भी जो है अतिरिक्त पुलिस बल भी जो है बुला लिया था कि ताकि कोई इस तरीके की जो स्थिति है उत्पन्न होती है तो उसको काबू में किया जा सके। मौके पर पुलिस आपको बता दें कि रही प्रशासन का पूरा अमला रहा और जो है स्थिति को काबू में कर लिया गया है। वही खास बात यह रही कि जो पुलिस ने इस पूरे मामले पर जब पूरा ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो फिर CCTV और जो ड्रोन के माध्यम से जो है लोगों को चिन्हित भी किया था और जिन लोगों ने पथराव किया था, क्योंकि पूरे रोड पर जो है पत्थर पड़े थे दोनों ही पक्षों की तरफ से। इसके बाद में जो है पुलिस ने FIR दर्ज की है, एक पक्ष की तरफ से जो शिकायत हुई उस पर दो लोगों पर एक्शन लिया है, पुलिस ने उनको आरोपी बनाया, जबकि जो दूसरा पक्ष की तरफ से जो शिकायत की गई उसमें 9 लोगों को आरोपी इस पूरे मामले में बनाया गया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी भी पुलिस जल्द कर लेगी ऐसा पुलिस का दावा है। फिलहाल इस पर आगे क्या एक्शन होता है ये तो हर समय बता पाएगा। तो ये पूरा संक्षिप्त हमने मामला आपको बताया किस तरीके
तरीके से जो है घटनाक्रम है, क्या इसका विवाद की जड़ है और किस तरीके से जो है अब इसको रास्ता प्रशासन निकालता है, यह भी खैर आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।